फसल आए इतने सारे यार। चलो फटाफट यार, हवा कितनी मस्त लग रही, कितनी ज्यादा। एक बार मैं छोटी सी थी तो ऐसे लेख लिखता है ना जैसे कॉपी में, कि जब हम कग्गा बोलते हैं कौवे को तो कग्गा क्यों नहीं लिख सकते। तो मम्मी कैमरे में आने से मना कर रही है कि क्या हुआ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना लेते हैं। एंड अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है मुझे। सो गाइस, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। सो आज यार घर में बहुत सारा काम है, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत सी ख़राब होगी। मैं मम्मी से मिलवाती हूँ, देखते हैं क्या कर रही हो। पड़ी है अभी, सिर खींचा था मैंने उनका। क्या हुआ? तबीयत ख़राब हो रही मेरी। क्या तबीयत ख़राब हो रही, दिख नहीं रहा क्या? मैं सारी रात नहीं, बहुत परेशान हुई, और रोज रात नहीं होने लग रहा। यो गैस टकरा हुआ है सिर में, पेट भी बस सिक्कर हो रहा। चलो आप आराम कर लो, आज काम तो नहीं करना। क्या कह रही? काम तो नहीं करना। काम है, मुझे वीडियो नहीं बनानी। हाँ नहीं है, इसका तो मतलब ये हो गया कि मम्मी की तबीयत खराब हो जाए जब। हाँ कर दूंगी, मैं जाके तो कर रही। तो भाई अभी तो मुझे झाड़ू पोछा करना है। मैं देखो ये इनके कूलर चल रहे, कूलर बंद नहीं होते तो बीमार तो होंगे ही। सो यार मम्मी को तो बुखार हो रहा है, एंड मैं बता दूँ आज सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे काम भी, काम करने में क्या है, खिचड़ी बना लूँगी आज। मेरे से और कुछ तो आता नहीं, खिचड़ी ही बना लूँगी। चलो चावल भी देते हैं। यार मुझे ना ऐसा लग रहा है, ये चीज़ जो पड़ी है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई छिपकली हो। आपको भी ऐसे ही लगा था? देखो दूर से देखो, ऐसा लग रहा है छिपकली का बच्चा हो। और मुझे छिपकली से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है यार, बहुत ज़्यादा। तो अब देखो, मैंने अपने घर में ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाती, कहीं पे तौलिए टंगे हैं, कहीं पे इनके कुछ भी टंगा रहता है, और एक खाट ऐसे ही बाहर पड़ी है। इसका कूलर बंद करके आ रही है अपने भाई का। सो गाइस, अब मैं शेर के बिल में हाथ डालने जा रही हूँ। मैं यहाँ इसका कूलर बंद करने वाली हूँ, देखते क्या रिएक्शन होगा। अब हुई घर में शांति, मैंने इसका कूलर बंद कर दिया। और यार मौसम, हवा चली हवा चली, ये भगवान, बहुत गर्मी हो रही है। आपको भी गर्मी लग रही है? चलो भाई अब खिचड़ी के लिए चावल भिगोते हैं। ओके, तो मम्मी कौन से वाली खिचड़ी खाओगी आप? हैं, खिचड़ी खाओगी क्या? तो मैं अपनी अलग बनाऊं? मैं टेस्टी वाली बनाऊंगी, वैसे वाली आलू वाली ना खाओ, जिसे जब खाना खाओ, हम तो अपनी खिचड़ी बना रहे हैं। तो यहाँ रखे हैं चावल। एक गिलास बतेरी है? हाँ या आधा गिलास? ठीक है। सो चावल तो हो गए, चावल में पानी डाल दूँ, अलग बर्तन में डाल दूँ। बाल खोल के कौन काम करता है, अभी बांधूंगी इन बालों को भी। मैं सोची ब्लॉग में सुबह सुबह हालत देख के आप डर ना जाओ मेरी, इसलिए मैंने बाल खोले थे। ओके, ये बाद में धोए जाएंगे, अभी भिगो के रख देती हूँ। एक आध आलू काट लूँ, एक डेढ़ बतेरा, दो आलू काटूँगी। और टेन टेन सो टू आलूस, अब इनको पहले धो लूँ। और मैं बाद में बात करती हूँ, मैं पैसे होता नहीं काम, अभी मैं सारा काम निपटा लूँ, खिचड़ी विचड़ी छोंक दूँ। यहाँ अभी तो भूख भी नहीं लग रही मुझे।
तो मम्मी कैमरे में आने से मना कर रही है कि उनकी तबीयत बहुत खराब रही है, ऐसे मत ले। मेरा तो आज बहुत दिनों बाद मम्मी चाय पीने का मन कर रहा। ना पीती नहीं, नुकसान देगी। मौसम देखो क्या मस्त हो रहा, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा। मैं तो यहीं सोने का मन कर रहा। देखो फोन चलाने लगी। हाँ जाओ ना, क्यों दवाई तो इतनी सारी ला रखी है तुमने हरियाणा से, वे नहीं खा ले सरकारी अस्पताल की में तो। यार हवा कितनी मस्त लग रही, कितनी ज्यादा ऐसी हवा ना रोज चल जाए। पता 3 दिन हो गए इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी ज्यादा गर्मी कि मैं परेशान हो गई थी भाई थोड़ी ठंड कर दो भगवान, इससे अच्छा तो बारिश ही है। पर बारिश होती ही पानी भर जाता है, पर हमारे गांव में पानी नहीं भरा। हमारा गांव ऊंचाई पे है, सारा लक्सर ऊंचाई पे है, तो हमारे गाँव में पानी नहीं भरा। चलो भाई काम भी करना है, मैंने अभी तक झाड़ू नहीं किया, झाड़ू कर देते हैं। टाइम क्या हो रहा, 8 बज गए टाइम। बट हवा बहुत, क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। और चिड़िया एक अब पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन इनको कग्गा बोलते हैं, कग्गा कौवा कग्गा। अब ये मत कहना क्या बोल रहे हो भाई, यहाँ पे तो ऐसे ही बोलते हैं। एक बार मैं छोटी सी थी तो ऐसे लेख लिखता है ना जैसे कॉपी में कि स्टोरी, एक कौवा प्यासा था वो वाली कहानी थी, तो मैंने अपनी कॉपी में लिखा एक कग्गा प्यासा था, तो वो मम्मी ने पढ़ लिया जब मैं छोटी थी, कोई ये क्या लिख रही वहाँ पे स्कूल में भेजती कराएगी। तो मैंने बिल्कुल जैसे दिमाग में था एक कग्गा प्यासा था, मैंने कहा जब हम कग्गा बोलते हैं कौवे को तो कग्गा क्यों नहीं लिख सकते। अब यार बस उस टाइम पे मेरे कभी भी याद आ जाते, एक कग्गा प्यासा था, घड़े में उसके पानी कम था, पता नहीं कुछ ऐसा था, उसको प्यास लगी थी। खिचड़ी में प्याज ही तो अच्छे लगा, दो प्याज के और कौन सा टमाटर रह गए, टमाटर तो इतने महंगे हो गए, एक टमाटर भी गिर जाता टेस्ट आ जाता उसमें। टाइम क्या कह रही, टमाटर खाएगा तो दुनिया ऊपर ही चली जाओगी, 200 रुपये किलो, 50 रुपये पाओ। उस दिन पनीर बनाया था, उस दिन तो क्या हुआ 50 रुपये के 4 टमाटर, वो भी छोटे छोटे 50 के 4 टमाटर। तो ठीक क्या है इसमें, 50 रुपये के 4, पहले 20 रुपये के 4 आ जाओ थे। ये सस्ते मिल गए तुमको कहीं, सस्ते आए 200 रुपये किलो हो रहे हैं। हाँ तो फिर 50 रुपये के 4 आ गए तो सस्ते ही पड़ गया, मैं तो सस्ते ही लग रहे। अमीर नहीं, हम कह रहे भाई महंगाई कितनी आएगी। तो भाई मम्मी को टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद, अगर मतलब सब्जी में गिरने भी हो ना तो भी नहीं गिरती, फ्रिज में अगर रखे भी हो। अब तो खैर महंगे ही हो गए, अब तो आ ही नहीं रहे हमारे घर, लेकिन जब सस्ते थे उस टाइम भी नहीं बनते थे वो, सब्जी में अगर बोल भी दिया ना गिर दिया तो खरीद दे, वो सड़ भी तो गए। खरीदने से क्या हो रहा, फ्रिज में रखे रहो सड़ जाओ, मैंने देखे नहीं सड़ते हुए। मैं सलाद में तो अच्छे भी नहीं लगते। हाँ सलाद में कौन खा रहा है टमाटर, अच्छे नहीं लगते, एक दो खा के नहीं हो जा फिर। चलो भाई मैं काम कर लूँ, फिर ना धो के बात करती हूँ। A few moments later. सो गाइज अभी मेरे पार्सल आए हैं इतने सारे यार, चलो फटाफट इनको खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये रही हमारे घर की मैकेनिक, क्या कर रही मम्मी, कूलर ठीक करने में लग रही। होगी ठीक अब तबीयत। सो गाइज मैं आ गई हूँ अपने रूम में एंड मेरे बहुत सारे पार्सल आ गए, बहुत सारे, तो मैं वेट कर रही थी कि आज कब आएंगे, तो आज फाइनली वो आ गए हैं। तो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने सारे रखे हैं। ओके तो 4 पार्सल है एंड उनमें से मैं ये भी बता दूँ कि कल ही ये आया था प्लाजो, इसकी ऑलरेडी मैं शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूँ, तो ये शॉर्ट वीडियो में आपको दिख गया होगा। तो फटाफट इनको ओपन करते हैं। सबसे पहले ये तो काफ़ी महंगा है, मतलब उस हिसाब से जिस हिसाब से फ़ोटोज़ थे उस हिसाब से मुझे महंगा लगा था, बट मेरा दिल आ गया था इस पर तो मैंने ले लिया। एक तो मुझे तैयार इतनी गर्मी लग रही, तो फटाफट खोलते हैं।
तो यार इसको देख के मैं बता सकती हूँ पन्नी में खोलने से पहले कि ये जॉर्जेट कपड़े का है। तो जॉर्जेट तो मुझे बहुत जॉर्जेट जॉर्जेट मम्मी आइयो, मम्मी को भी दिखाती हूँ। वन जल्दी आओ, जल्दी रिएक्शन दिखाना, आ जाओ वीडियो में, आ जाओ इधर को आओ ना इधर। सो मम्मी भी आ गई मम्मी के सामने, अब देखिए ये वाला खोलने वाली, थोड़ा पीछे को जाओ कैमरे वाले। ये तो बढ़िया है जैकेट से पहनो। ये भी ऐसा ही है तो, लेकिन मतलब हैवी कितना। इसका कपड़ा क्रैप से है, ये इसका क्रैप कपड़ा है। और इसके ये बढ़िया लग रहा है, तो पहन के पता चलेगा। इसकी तो बेल्ट आपके लायक लग रही मुझे, दिखाए। चलो मैं पहन के देख लूँ। सो गाइस मैंने ये पहन लिया है एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी चुन्नी सी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ओ यार ठीक है, आ गया मुझे। मुझे लग रहा था थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट लग रहा है। मुझे इसका घेर पसंद आ रहा है, जो इतने सारे घेर है ना इसमें। अब मैं पूरा कैसे दिखाऊँ आपको। सो गाइज मैं नेक्स्ट पार्सल दिखा देती हूँ आपकी। मेरी मेमोरी फुल होगी फ़ोन की, बड़ी मुश्किल से कुछ वीडियोस डिलीट करी है मैंने। अब खुल जाए यार इनको ना। मैं कुछ को अगर पहन के नहीं दिखा रही बाई चांस, तो शॉर्ट वीडियो में तो आपको दिख ही जाएगा ये क्या है। ओ तो वैसे तो ये मुझे सीक्रेट रखना था, बट मैं दिखा देती हूँ फटाफट। इसको पहन के तो मैं दिखाने वाली होनी, क्योंकि इसमें फिटिंग करानी पड़ेगी। यार मेरे को नहीं लगता जिसलिए मैंने मंगाया ये मैच होएगा, तो नहीं यार नहीं लगता। तो ये मैंने ब्लाउज़ मंगाया था अपनी एक ड्रेस के लिए, यार ये तो मुझे वैसा लग भी नहीं रहा ना यार। इसको मैं रिटर्न करूँगी, या ये फ्रंट है यार। तो यार मेरे को नहीं अच्छा लगा यार, ये कलर भी नहीं अच्छा है इसका। इसको मैं रिटर्न करूँगी। और नेक्स्ट ये मैंने, इसकी स्टोरी बता दूँ, मैंने 15 अगस्त में मंगाया था ये कि भाई वीडियो बनाऊँगी या कुछ भी ऐसा करके, बट अमेज़ोन पे कुछ ऐसा हो गया फ्रॉड टाइप का कुछ, मतलब फ्रॉड भी नहीं, पैसे तो मेरे रिटर्न आ गए थे लेकिन मेरा पार्सल मुझे मिला ही नहीं। वो कुछ पता नहीं क्या सिस्टम था उनका, 15 दिन हो गए थे उन्होंने दिया नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से रिफ़ंड आया। और ये मैंने कार्गो पैंट मंगाई है आर्मी में, तो आ जाएगी मुझे लगता है, जहाँ तक आ जाएगी मुझको ये। तो यार बिल्कुल असली लग रही है ना, तो उसको मैं पहन के शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँगी। मेरी मेमोरी फुल हो गई, पहले अगला पार्सल खोल देते हैं, फिर अगर मेमोरी बचेगी तो मैं पहन के दिखा दूँगी। ओके तो ये भी मैं पहन के नहीं दिखा सकती, क्योंकि इसको तो वीडियो में दिख रहा है, इसको तो मुझे तैयार कराना पड़ेगा। ये मैंने साड़ी मंगाई थी इसलिए कि आप सबके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि रानी वो अब फिर से मुझे मेमोरी डिलीट करनी पड़ी इसकी फ़ोन की। तो ये साड़ी फटाफट खोल लेते हैं। ओके तो ये साड़ी है एंड इसका ब्लाउज वगैरह कहाँ पे है, इधर इसकी सिलाई कर रखी है इन्होंने। अबे यार ओके तो इसके अंदर कुछ बनी टाइप इसी में से निकलेगी शायद। चलो ये तो करके ही पता चल जाएगी साड़ी, बट अच्छा है कपड़ा। सो गाइज थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए, एंड मैंने अपना सारा ऑर्डर दिखा दिया। आपके 3-4 ऑर्डर आए थे, मैंने सारे दिखा दिए, एंड जब नेक्स्ट ऑर्डर आएंगे मैं तब भी दिखा दूँगी, सारी चीज़ दिखा दूँगी। मैं आपसे कुछ भी छुपाने वाली तो हूँ नहीं। तो अब मेरे फ़ोन की मेमोरी बिल्कुल, और मैं कुछ डिलीट भी नहीं कर सकती इससे ज़्यादा मोबाइल में, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको पीसी में लेना पड़ेगा, पीसी के बाद फिर ये मोबाइल खाली हो जाएगा, तब जाके कुछ होएगा। मेरे तो समझ में नहीं आया एडिटिंग के बाद सेव कैसे करूँगी मैं वीडियो। ओके तो ऐसे ही प्यार देते रहो। मम्मी ने बाल्टी खड़खड़ कर रखी है। चलो बाय, सी यू।